हाय फ्रेंड्स, रिटर्न टू इनवॉइस कवर। आज हम बात करने जा रहे हैं रिटर्न टू इनवॉइस कवर के बारे में, जिसे आरटीआई भी कहा जाता है। यह कवर कार के इनवॉइस कॉस्ट एंड आईडीवी के गैप को कवर करती है। आईडीवी मींस जिस वैल्यू पे आपके कार का इंश्योरेंस होता है, उसे आईडीवी कहते हैं। यह कवर मेनली थेफ्ट और टोटल लॉस के लिए होता है। जब आप नई कार खरीदते हैं तो कार की कॉस्ट के साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड रोड टैक्स भी पेड करते हैं। यूजुअली आपकी इंश्योरेंस की पॉलिसी आपकी कार के कॉस्ट को कवर करती है और हर साल उसकी वैल्यू कम होते जाती है। ऐसे में आपकी कार का टोटल लॉस होता है या गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस से जो पैसा आपको मिलेगा उसमें और आपकी कार के ओरिजिनल कॉस्ट में कंसिडरेबल डिफरेंस होगा और नई कार खरीदने के लिए आपके ऊपर काफ़ी एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स ने मई 2018 को एक नई कार 6,50,000 में खरीदी, जिसमें कार की कॉस्ट 6 लाख और रजिस्ट्रेशन चार्जेस 35,000 और रोड टैक्स 15,000, कुल मिलाकर 6,50,000 है। मिस्टर एक्स की कार जून 2021 में चोरी हो जाती है। एज पर स्टैंडर्ड डेप्रिसिएशन उस समय कार की आईडीवी 4.5 लाख होगी, मींस उस समय कार की इंश्योरेंस की जो वैल्यू होगी वह 4,50,000 होगी। अब कंडीशन वन देखते हैं। यदि मिस्टर एक्स के पास स्टैंडर्ड कंप्रिहेंसिव पॉलिसी है तो 4,50,000 में से पॉलिसी एक्सेप्ट डिडक्ट कर मिस्टर एक्स को सेटलमेंट मिल जाएगा। अब कंडीशन यह है कि मिस्टर एक्स ने कार के लिए 6,50,000 खर्च किए थे और उसके बदले सिर्फ 4,50,000 मिल रहे हैं। यहाँ पे आरटीआई मींस रिटर्न टू इनवॉइस कवरेज पिक्चर में आती है। यदि मिस्टर एक्स की पॉलिसी रिटर्न टू इनवॉइस कवरेज के साथ होती तो उन्हें 6,50,000 में से पॉलिसी एक्सेप्ट डिडक्ट करके उन्हें इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता और नई कार खरीदने के लिए उनके पास कोई एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन नहीं आता। मेनली ये एड ऑन कवर टोटल लॉस या थेफ्ट के बाद न्यू व्हीकल लेने या इंश्योरेंस के लोन को भरने के लिए एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन से आपको प्रोटेक्ट करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको रिटर्न टू इनवॉइस अर्थात आरटीआई कवरेज समझ में आ गया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एक इंश्योरेंस प्रोफेशनल हूं और इस इंश्योरेंस टेक्निकल चैनल पे आपको इंश्योरेंस से जुड़े हर महत्वपूर्ण टॉपिक की जानकारी मिलेगी। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करके मेरा हौसला बढ़ाएं, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत नीचे रेड कलर के आइकॉन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट लर्निंग अहेड।